हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियां अजब गजब। फ्रेंड्स, फिर से ले आए हूं आपके लिए एक नई और यूनिक स्टोरी, और स्टोरी का नाम है द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैंड। फ्रेंड्स, ये कहानी भी शर्लक होम्स सीरीज की एक और कहानी है और इसे लिखा गया है सर आर्थर कोनन डॉयल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैंड। एक दिन डॉक्टर वॉटसन अपने कमरे में बैठे शर्लक होम्स के बारे में सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि किस तरह से शर्लक ने कई तरह के पेचीदा केसेस पे काम किया था और वो ये काम पैसों के लिए नहीं करता था। पैसा ज़रूरत है ये बात अलग थी, वो भी इसी काम से आता था, लेकिन अगर शर्लक ने कोई केस अपने हाथ में लिया तो पैसे की वजह से कभी नहीं लिया। कई बार कुछ लोग पैसे की तंगी के बावजूद भी उसके पास आ जाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें इंसानियत को एक किनारे करके छोड़ दे, वो उन्हें भी निराश नहीं जाने देता था। मुझे याद आ रहा है एक केस के बारे में, रॉयलट फैमिली केस, स्टॉक मोरैन में रहने वाली रॉयलट फैमिली का केस। ये तब की बात है जब मैं और शर्लक होम्स कुंवारे थे और बेकर स्ट्रीट में एक ही कमरे को शेयर करते थे। हालांकि किसी भी केस की गोपनीयता को बनाए रखना हमारे काम का पहला उसूल होता है, लेकिन फिर भी कई साल पहले हुए इस केस की डायरी को आज मैं आप सब लोगों के सामने खोल रहा हूँ। डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलट के घर बिताए गए वह रोमांचक दिन मुझे कभी नहीं भूलते। सन 1883 का साल और वो अप्रैल का महीना। वैसे तो मैंने हमेशा सुबह होम्स को देर से ही उठते देखा था, लेकिन उस दिन जब मैं सोकर उठा तो उसे बिल्कुल तैयार पाया। वो मेरे बेड के बिल्कुल किनारे खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए मुझे घड़ी दिखाई। घड़ी 7:15 का समय दिखा रही थी। आज वो मुझसे पहले उठकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे आज उसने मुझे मात दे दी हो। मैं भी हैरान था। कमाल है, इसे क्या हुआ? क्या सचमुच घड़ी उतने ही बजा रही है या फिर शर्लक ने घड़ी में कुछ गड़बड़ कर दी है? पर मैं जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो सचमुच जल्दी उठ गया था। ना सिर्फ उठ गया था बल्कि मुझे भी उसने उठा दिया था। माफ़ी चाहता हूँ आपको इस प्रकार जल्दी उठाने के लिए, वह बोला। लेकिन हुआ क्या ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि बताने वाली तो बाहर बैठी है। ओह, शायद सुबह सुबह कोई क्लाइंट आ गई है जो किसी समस्या में फंसी है, निसंदेह, और हम उससे बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं मिल सकते। नींद में होने का बहाना बनाकर मैं ना ही उसे वापस भेज सकता था। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। वो जो है वो यंग लेडी बहुत परेशान लग रही है, काफ़ी घबराई हुई भी है। मिसेस हटसन ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। यंग लेडी जानती थी कि इतनी सुबह आकर वो हमारी नींद डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन उसकी परेशानी ने उसे इसके लिए मजबूर कर दिया है। उसने इसके लिए मिसेस हटसन से माफ़ी मांगी और मुझसे मिलने के लिए कहा। तब मिसेस हटसन ने आकर मुझे जगाया, सारी बातें बताई। तब मैंने मिसेस हटसन को उसे सिटिंग रूम में बिठाने और कुछ देर इंतज़ार करने के लिए कहा, और अब मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी उसी वक्त क्यों नहीं जगा दिया? हम दोनों एक साथ ही बाथरूम में जाकर तैयार कैसे हो सकते थे? हा हा हा, ओके, मैं बस कुछ ही देर में तैयार होकर नीचे आता हूँ। शर्लक होम्स मेरा इंतज़ार कर रहा था और मैं भागकर बाथरूम में घुस गया। मैं जानता था कि मुझे तुरंत तैयार होना है। मैं आधा मिनट भी व्यर्थ नहीं करना चाहता था। मैंने अपने कपड़े उतार कर एक तरफ फेंके, फटाफट मुँह हाथ धोया, कुल्ला किया, कपड़े पहने। मैंने ये सब काम आज इस तेज़ी के साथ किए कि तेज़ी देख लेती तो वो भी शर्मा जाती। मैं बाथरूम से बाहर निकला तो शर्लक को अपना इंतज़ार करते हुए पाया। फिर कुछ ही मिनटों बाद हम दोनों दोस्त सिटिंग रूम में हमारा इंतज़ार करती उस लेडी की तरफ बढ़े। वो एक खूबसूरत लेडी थी। काले कपड़ों में उसका गोरा रंग और अधिक खिल रहा था। वो बेहद आकर्षक लग रही थी। इस समय उसके चेहरे पर चिंता थी, वो बेचैन थी और परेशान भी। गुड मॉर्निंग मैम, शर्लक होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम शर्लक होम्स है और ये मेरा मित्र और मेरे सहयोगी डॉक्टर वॉटसन। शर्लक ने अपना और मेरा परिचय उसे दिया। उसने धीमे से सर झुकाकर अभिवादन का उत्तर दिया। बाहर अत्यधिक ठंड थी, वो ठंड से कांप रही थी। शर्लक होम्स ने देखा कि मिसेस हटसन ने फायरप्लेस में आग जला दी थी, इसके बावजूद भी उसकी कपकपी रुक नहीं रही थी। मैं समझता हूँ कि बातचीत शुरू करने से पहले क्यों ना हम एक एक कॉफ़ी भी सिप करें। कॉफ़ी की ज़रूरत उस लेडी के साथ साथ मुझे भी थी और शर्लक को भी। शर्लक इस बात को समझ गया था। शायद आप मुझे कांपते देखकर ऐसा कह रहे हैं सर। हाँ, मुझे लगता है बाहर काफ़ी ठंड है और इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रही है। लेकिन सर,
ये कब कभी ठंड के कारण नहीं है। तो फिर किस लिए है? शायद मैं ज़्यादा डरी हुई हूँ, मैं बहुत दहशत में हूँ। सचमुझ उसकी आंखों में डर था, वह ऐसे फैली हुई थी मानो कोई शिकार उसकी ताक में बैठा हो। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, मानो काटो तो खून ही ना हो। आपके पास डरने का कारण भले ही हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको डरने की अब ज़रूरत नहीं है। आप बहुत महफूज हाथों में हैं। आप जानते हैं, आप शेरलॉक होम्स के घर के अंदर हैं। डर चीज़ों को दिमाग से निकाल देता है। डर आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है। डर चीज़ों पर फोकस नहीं करने देता। मैं चाहता हूँ आप खुले दिल से यहाँ बैठें, बिना डरे। आपकी जो भी समस्या है हम उसे सुनेंगे, और जो हमसे हो सकेगा वो करेंगे, और आपकी समस्या का इलाज ज़रूर होगा। इस कॉन्फिडेंस के लिए थैंक्स सर। वैसे आप यहाँ ट्रेन से आई हैं? आपने कैसे जाना? आपके बाएं ग्लव्स में ट्रेन का टिकट ठुसा हुआ है। ओह, आज सुबह जब आप घर से निकली तो बहुत जल्दी में थी, इतनी जल्दी में कि आपने स्टेशन पर पहुँचने के लिए भी सवारी मिलने का इंतज़ार नहीं किया, और एक डॉग स्क्वाड यानी कुत्ता पकड़ने की गाड़ी में ही लिफ्ट लेकर स्टेशन आ पहुंची। ये आपने कैसे जाना सर? उस औरत की आंखें फैल गईं। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, किसी को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ऐसी बातें कोई भी पता लगा सकता है। अपनी जैकेट के बाएं बाजू को देखो, वो कई रंग की मिट्टी से सनी हुई है। कुत्ते अक्सर अपने पिछले पाँव से मिट्टी उछालते हैं। कुत्ता गाड़ी कई जगहों पर घूम घूम कर कुत्तों को पकड़ती है, इसलिए उसकी खिड़कियों पर वो मिट्टी जमा हो जाती है। आप जब उस गाड़ी में बैठी होंगी तो आपकी बाजू पर कई जगहों की वो मिट्टी भी लग गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वो बेहद हैरान थी। मैं सुबह 6 बजे जल्दी में घर से निकली थी, कोई व्हीकल नहीं मिला तो मैंने वहाँ से गुजरती कुत्ता गाड़ी के ड्राइवर से रिक्वेस्ट की, और उसने मुझे 20 मिनट में लेदरहेड स्टेशन पहुँचा दिया। वहाँ से मैं पहली ट्रेन पकड़कर वाटरलू पहुँची। मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचना चाहती थी। आप मेरी स्थिति को समझ नहीं सकते। मुझे अपने चारों तरफ अंधेरे साए तैरते दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने उन सायों में अपना जीवन खोती हुई देख रही हूँ। प्लीज़ मिस्टर शेरलॉक होम्स, मैं आपके बारे में सुनकर यहाँ तक पहुँची हूँ, और जितना मैंने आपके बारे में सुना है यहाँ आने के बाद उससे कहीं बढ़कर पाया है। मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरी स्थिति आपको आपकी फीस तक चुकता करने की नहीं है, लेकिन मैं भविष्य में आपकी पूरी फीस चुका दूंगी। ये मैं आपसे वादा करती हूँ, और आपको इस पर विश्वास करना ही होगा। यदि मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ तो शायद इससे बढ़कर मेरे लिए गर्व की कोई बात नहीं हो सकती, होम्स ने कहा। मैं ये काम केवल पैसे के लिए नहीं करता हूँ, ये मेरा शौक और मेरी हॉबी है, और फिर मेरा काम ही मेरा इनाम है। मुझे दिल से सुकून मिलता है कि मैंने सच को सामने लाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें की। आप पैसों की बात दिमाग में लाए बिना मुझे अपनी समस्या बताएं। मैं हूं डॉक्टर वॉटसन, उसे सुनने के लिए बेचैन है। सुनिए सर, मेरा नाम हेलन स्टोनर है, उसने कहना शुरू किया। कहती रहो, मैं अपने स्टेप फादर के साथ रहती हूँ। इंग्लैंड के नामी गिरामी सैक्सन परिवार के आखिरी वारिस के रूप में अब केवल वही हैं। आपने भी सुना होगा स्टॉक मोरैन के डॉक्टर रॉलेट के बारे में। हाँ, मैं जानता हूँ, ये नाम जाना पहचाना है मेरे लिए, स्टॉक मोरैन की रॉयलेट फैमिली। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। कभी इंग्लैंड के सबसे अमीर व सम्मानित हस्तियों में इस परिवार को भी गिना जाता था। जमीन जायदाद के मामले में कभी इस परिवार की संपत्ति उत्तर में बर्कशायर की सीमा तक और पश्चिम में हैम्पशायर की सीमा तक फैली हुई थी। कहते हैं कि पैसा आता है तो बुरी आदतें भी आ जाती हैं, जुआ सब कुछ बर्बाद कर देता है। पिछले शतक में इस परिवार को भी ये बर्बादी देखनी पड़ी। सब कुछ तहस नहस हो गया, जमीन जायदाद बिक गई। जमीन जायदाद के नाम पर अब केवल कुछ 100 एकड़ जमीन और 200 साल पुराना एक महल खंडर नुमा बचा है। उस पर भी भारी कर्ज लोन के रूप में लिया जा चुका है। वो कब तक बचा रहेगा ये कोई नहीं जानता। मेरे सौतेले पिता ने जब ये हालत देखी तो उन्होंने इंडिया जाकर कोई व्यापार शुरू करने की सोची। वे अपने आप को फिर से खड़ा करना चाहते थे। वे अपनी मेडिकल की डिग्री के साथ कलकत्ता चले गए, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। वहाँ उनके घर में एक बड़ी डकैती हुई। उनके हाथों इस डकैती में शामिल अपने बटलर का खून हो गया और मेरे पिता को जेल हो गई। सज़ा काटने के बाद वे इंडिया से वापस इंग्लैंड आ गए। अपने हालातों से वे काफ़ी हताश और निराश थे, लेकिन इंडिया से वे अकेले ही वापस नहीं आए थे। जब इंडिया में थे तो वहाँ उन्होंने मेरी माँ मिसेस स्टोनर के साथ
शादी की। मेरी माँ की यह दूसरी शादी थी। मैं और मेरी जुड़वा बहन जूलिया इस शादी के समय केवल 2 साल की थीं। मेरी दादी ने माँ के लिए बहुत पैसा छोड़ा था, जिसके ब्याज से ही उन्हें सालाना लगभग 1,000 पाउंड्स की इनकम होती थी। अब इस सारी इनकम के मालिक भी मिस्टर रॉयलेट बन चुके थे, जो अब हमारे साथ ही रहने आ गए थे। इसके अलावा माँ ने हम दोनों की शादी के लिए एक फिक्स डिपॉजिट बैंक में रखवा दिया था, जो हमें शादी के समय ही मिलना था। इंग्लैंड जाने के लगभग 8 साल बाद माँ एक रेल दुर्घटना में मारी गईं। अब डॉक्टर रॉयलेट हमें साथ लेकर स्टोक मरेन के हमारे उसी पुश्तैनी खंडर हो चुके महल में आकर रहने लगे। उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बंद कर दी। जो पैसा माँ हमारे लिए छोड़ गई थी, वो हम सब के लिए शायद बहुत था, और मुझे नहीं लगता था कि पैसे के कारण हमारा कोई काम अब रुकने वाला था। डॉक्टर रॉयलेट के व्यवहार में अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वो बात बात पर खींचने लगे। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आने लगा। वह पड़ोसियों से झगड़ने लगे, यहाँ तक कि हमें भी डांट देते थे। इस कारण वहाँ कोई नौकर कभी नहीं रुकता था। हम दोनों बहनें उनका गुस्सा देखकर सहम जाती थीं। उन्हें जंगली जानवर पालने का भी बहुत शौक था। इस बात का पता हमें तब लगा जब उन्होंने एक जंगली तेंदुआ और एक बबून बंदर महल में लाकर छोड़ दिया। तेंदुआ और बबून महल के अहाते में खुले घूमते तो हम में से किसी की हिम्मत ना होती थी कि बाहर निकल जाएं। न जाने कब वो हम पर हमला करते हैं। जूलिया की तो उनकी आवाज़ें सुनकर ही सांस रुक जाती थी। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि हम दोनों बहनें कितने ज़बरदस्त तनाव में जी रही थीं। बहुत ही सनसनीखेज किस्सा है। इसके बाद क्या हुआ? इस डर के कारण कोई नौकर भी घर में नहीं टिकता, और जूलिया, उसने गहरी सांस ली। वो उस वक्त 30 की ही थी जब उसकी मौत हुई। क्या जूलिया मर चुकी हैं? जी हाँ सर, 2 साल हुए उसकी मौत को। तनाव के कारण उस उम्र में भी उसके बाल सफ़ेद होने लगे थे। उसकी मौत कैसे हुई? हमारी मौसी मिसेस होनोरिया हैरो के पास रहती थी। अक्सर हम लोग वहाँ उनके पास चली जाया करती थी। 2 साल पहले जूलिया क्रिसमस पर वहाँ उनके पास गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक मेजर से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी का फैसला किया। मेरे स्टेप फादर को भी इस शादी से कोई इनकार या एतराज़ नहीं था, लेकिन शादी की बात वह तारीख तय होते ही वो घटना हुई जिसमें जूलिया की जान चली गई। उफ, मैं वो भयानक रात नहीं भूल सकती सर। मैं जानता हूँ कि उन बातों को दोहराना आपके लिए कितना मुश्किल होगा मिस टोना, लेकिन फिर भी मैं उस रात के बारे में ज़रूर सुनना चाहूँगा। वो सारी घटना मेरे जहन में आज भी वैसे ही है जैसे अभी घटी हो। हमारा घर, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़ा तो है, लेकिन बहुत पुराना भी है। सभी बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पर ही स्थित हैं। इनमें से वह सबसे पहला कमरा मिस्टर रॉयलेट का है, उसके बाद मेरी बहन जूलिया का, फिर मेरा। ये सभी कमरे एक ही कॉरिडोर में खुलते हैं। इनके बीच में कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है, जिससे कि कमरे में मौजूद कोई व्यक्ति किसी से आपस में बात कर सकें। मगर हाँ, सभी रूम्स के दूसरी तरफ जो लॉन है, उधर ज़रूर हम कमरे की एक खिड़की खोल सकते हैं, यानी कि वहाँ पर एक खिड़की खुल जाती है। उस खौफनाक रात को मैंने देखा कि डॉक्टर रॉयलेट जल्द ही अपने कमरे में सोने चले गए थे। हालांकि वह कभी थकते या जल्दी नहीं सोते थे। जूलिया अपने कमरे में थी। उसे सिगार के धुएं की गंध परेशान कर रही थी, इसलिए वो अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई थी। वहाँ वो कुछ देर मेरे पास रही। हम दोनों उसकी शादी की तैयारियों पर बातचीत कर रहे थे। रात करीब 11 बजे वो वापस अपने कमरे में जाने के लिए उठी, लेकिन फिर तुरंत ही वापस लौटी। शायद कुछ भूल गई थी। उसने वापस मेरे पास आकर कहा, हेलेन, क्या तुम्हें भी आधी रात को किसी सीटी की आवाज़ आती है? नहीं तो क्या पता आती हो, पर तुम गहरी नींद में होने के कारण सुन ना पाती हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसे भी घोड़े बेचकर नहीं सोती कि मुझे कोई आवाज़ सुनाई ना दे। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि पिछली कुछ रातों से लगभग 3 बजे के आसपास मैं ऐसी आवाज़ों को सुन रही हूँ। ये बहुत धीमी आवाज़ें होती हैं, लेकिन आती ज़रूर हैं। मैं गहरी नींद नहीं सोती, इसलिए ऐसी आवाज़ों को सुनकर मेरी नींद फौरन खुल जाती है। मैंने कई बार बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की, आखिर आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चल सका। शायद वो मुझसे अगले रूम की तरफ से, लॉन की तरफ से आ रही हों। मतलब पापा के रूम की तरफ से? कुछ कह नहीं सकती, मगर ताज्जुब तो यह है कि अगर आवाज़ें लॉन की तरफ से आती हैं तो फिर मुझे भी आनी चाहिए, क्योंकि मेरे कमरे की खिड़की भी लॉन में खुलती है। हाँ, इसलिए तो पूछ रही हूँ। पर मैंने कई ऐसी आवाज़ों को कभी नहीं सुना जैसा तुम बता रही हो। हो सकता है वो आवाज़ें सीटी की ना होकर किसी झिंगुर इत्यादि की हों। रात में ऐसे बहुत सारे कीट पतंगे सक्रिय हो जाते हैं। खैर, पता नहीं, हो भी सकता है। चलो, मैं चलती हूँ।
वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ भी सुनी। मैंने भी अपने कमरे को लॉक किया और अपने बेड पर सोने चली गई। क्या तुम दोनों अपने कमरे में रोज़ाना लॉक करके सोती थीं? हाँ, मैंने बताया कि हमारे घर में एक तेंदुआ और एक बबून जैसे जानवर मौजूद थे। हमें शायद डर लग रहा था कि कहीं वे दरवाज़ा खोलकर भीतर ना आ जाएं, ना भी आएं, पर अपनी चैन की नींद के लिए हम दोनों बहनें दरवाजे को लॉक करके ही सोती थीं। कहते हैं कुछ बुरा होने से पहले उसके एहसास भी कभी कभी बुरे ही महसूस होते हैं। उस रात जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे तो हम दोनों जुड़वा बहनें थीं, उसके एहसास कभी कभी मुझे होते थे और मेरे कभी कभी उसे। मेरे मतलब कभी वो परेशान होती तो मुझे भी अजीब सी परेशानी महसूस होती थी। कभी मैं परेशान होती तो वो अक्सर आकर मुझसे ये प्रश्न करती कि क्या मैं ठीक हूँ। उस दिन बाहर हवा भी कुछ तेज़ थी, कुछ तूफ़ानी। वर्षा की प्रचंड बूंदें हवा के आवेग के साथ खिड़की से टकरा कर अजीब सी डरावनी आवाज़ें पैदा कर रही थीं। इन सब चीज़ों के बीच अचानक मैंने किसी के चीखने की तेज़ आवाज़ सुनी। मैं उसे पहचान सकती थी, वो जूलिया की आवाज़ थी, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बिस्तर से जैसे उछल पड़ी। मैंने एक शॉल ओढ़ा और तेज़ी से उसके कमरे की तरफ भाग पड़ी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, मैंने एक हल्की सीटी की आवाज़ सुनी। शायद ये वही आवाज़ थी जिसके बारे में जूलिया ने भी मुझे बताया था। इसके कुछ देर बाद ही मैंने एक और आवाज़ भी सुनी। आवाज़ हल्की ही थी, लेकिन ऐसी थी जैसे मेटल के डोर को बंद किया गया हो। मैं कॉरिडोर में भागती हुई जूलिया के कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने पाया कि दरवाज़ा लॉक नहीं था और अपने कब्ज़ों पर धीमी गति से वापस खुल रहा था। मैं नहीं जानती थी कि अंदर क्या हुआ है। जूलिया के लिए मैं बहुत चिंतित थी। मैंने दरवाजे को भीतर की तरफ धकेला। कॉरिडोर की हल्की रोशनी कमरे में जा रही थी, उसमें मुझे जूलिया दिखाई दी। वो बहुत डरी हुई थी, उसकी आंखें आतंक से फटी हुई थीं। उसने मुझे देख लिया था, उसका हाथ मेरी तरफ मदद के लिए उठा। वो ऐसे लड़खड़ा रही थी जैसे उसने शराब पी ली हो। वो गिरने को थी, मैं उसकी तरफ लपकी। मैंने अपने बाजू से सहारा देकर उसे थामने की कोशिश भी की, पर उसके घुटने मुड़ते चले गए। उसके मुंह से आतंक भरे स्वर में निकला, हेलन। वो एक बैंड था, स्पेकल्ड बैंड। ये कहते हुए उसने उस दीवार की तरफ इशारा किया जिसके दूसरी तरफ डॉक्टर रॉयलेट का कमरा था। वो आगे भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसका गला बंद हो गया था। शब्द उसके गले में ही घुट चुके थे। उसके साथ क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम। मुझे लगा वो मर रही थी। मैं जैसे पागल सी हो उठी। मैं पापा पापा चिल्लाती हुई बाहर दौड़ी। वो भी तेज़ी से मुझे बाहर आते दिखाई पड़े। फिर जब हम वापस उसके पास पहुँचे तो वह लगभग बेहोश हो चुकी थी। पापा ने उसे गले में कुछ ब्रांडी उड़ेली और उसे पास के मेडिकल सेंटर ले गए, लेकिन उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। मैंने अपनी प्यारी बहन को हमेशा के लिए खो दिया था। क्या तुमने वाकई वो आवाज़ें सुनी थीं? हाँ, हमारे घर का वो हिस्सा जो रहने के हिसाब से थोड़ा अधिक पुराना है, इसलिए उस तरफ कोई नहीं रहता। मैंने वह आवाज़ें उसी तरफ से आती सुनी थीं। यदि वो आवाज़ें तुमने सुनी थीं तो तुम्हारी बहन ने भी ज़रूर सुनी होंगी। कैसा कुछ तुम्हें वहाँ लगा कि वो नवाज़ों का रहस्य जानने के लिए कुछ कर रही थी? मतलब क्या तुमने उसे सिर्फ गिरते हुए ही देखा था? जी हाँ, मैं बताना भूल गई कि जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो उसके एक हाथ में जलती हुई तीली थी और दूसरे में माचिस। शायद उसी आवाज़ का कारण जानने के लिए उसने तीली जलाई थी। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका मतलब है कि वो आवाज़ सचमुच उसके ने भी सुनी थी और वो उसका रहस्य जानना ज़रूर चाहती थी। पुलिस ने वहाँ आकर क्या तहकीकात की? मेरे लिए तो जूलिया की मौत एक रहस्य ही थी, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जूलिया पर कोई शारीरिक इंजरी नहीं थी। कमरे की खिड़की लोहे के एक शटर की तरह थी, वो बंद थी। जूलिया के बेड के पास ही फ्रेश एयर के लिए डक्ट से जुड़ी एक चिमनी थी। कमरा पहले की तरह व्यवस्थित था, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए थी वहीं थी। वहाँ किसी किस्म की मारपीट या भगदड़ के निशान नहीं थे, ना ही कोई ऐसा क्लू दिखाई पड़ रहा था जिसके कारण उसकी हत्या की शंका हो। तुम्हें क्या लगा था कि उसकी मौत कैसे हुई होगी? मुझे ऐसा लगा था जैसे वो बहुत डरी हुई थी और इसी से उसे शायद हार्ट अटैक आ गया था। वो सचमुच बहुत डरी हुई थी, शायद बबून और तेंदुए की वजह से। मगर उस समय बबून और तेंदुआ कहाँ थे, तुम्हें कुछ याद है? जी हाँ, मुझे याद है, वो बाहर ही थे। उनके भीतर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तुमने कहा कि होश खोने से पहले उसने कुछ कहा था, एक बैंड, एक स्पेकल्ड बैंड जैसा कुछ, समथिंग कुछ ऐसा ही। हाँ, पता नहीं वो किसी म्यूजिकल बैंड की बात कर रही थी या अपनी कलाई पर लपेटे जाने वाले किसी फ्रेंडशिप बैंड की बात कर रही थी, लेकिन वो बैंड क्या था ये मेरी समझ से बाहर की बात थी। फिर क्या हुआ? इन सब बातों के 2 साल बीत चुके हैं।
जूलिया के जाने के बाद मैं बहुत अकेली फील कर रही थी। 2 साल बाद अचानक मेरी लाइफ में एक लड़के ने कदम रखा, हालांकि मैं उसे पहले से जानती थी। बात आगे तब बढ़ी जब उसने मेरे सामने शादी का प्रपोजल रखा। उसका नाम आर्मिटेज है, पर्सी आर्मिटेज। पापा को भी उसके लिए कोई एतराज़ नहीं है। हम इसी स्प्रिंग सीज़न में शादी कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही पापा ने मेरे रूम की बाहरी दीवार को ठीक ठाक करवाने के लिए काम शुरू करवाया है। वहाँ से आने वाली धूल मिट्टी से बचने के लिए मैं आज ही पापा के कहने पर फ़िलहाल जूलिया के कमरे में शिफ्ट हो गई हूँ। उसके कमरे में मैं उसकी मौजूदगी को, उसकी यादों को हर पल महसूस कर सकती हूँ। वहाँ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा? हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। रात मैंने उसके कमरे में वैसे ही विसल की आवाज़ें सुनी जिन्हें जूलिया ने अपनी मौत से पहले सुना था और मुझे बताया था। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। आवाज़ें हालांकि बहुत धीमी थीं, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थीं। मैं फुर्ती के साथ उठी और मैंने तुरंत लैंप रोशन किया, पर पूरा कमरा छान मारने के बाद भी कोई ऐसी चीज़ ना दिखाई दी जहाँ से मुझे वैसी आवाज़ें आती हुई महसूस हों। ना जाने क्यों मेरा हृदय कांप गया। मैं पूरी रात सो नहीं सकी। वैसी आवाज़ों का फिर से सुनाई पड़ना मुझे रोमांचित कर रहा था। एक बार फिर से मेरा हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से थरथरा रहा था। मुझे याद आया कि उस समय जूलिया की भी शादी होने वाली थी और अब मैं भी जल्द ही विवाह के बंधन में बंधने जा रही थी। मैंने निर्णय किया कि मैं इसकी तह तक जाऊंगी। फिर दिन होते ही मैं बिना किसी को बताए यहाँ आपसे मिलने आ गई। इतनी सुबह मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैंने कुत्ता गाड़ी वाले से प्रार्थना की। उसने मुझे लेदर हेड तक छोड़ दिया, जहाँ से आगे मैं ट्रेन द्वारा फिर आपके पास आई। क्या ये संभव है कि हम तुम्हारे पापा की अनुपस्थिति में तुम्हारे घर में आएँ और तुम्हारे घर का निरीक्षण कर सकें? बताओ, ये पॉसिबल हो सकता है? जी हाँ सर, वह अपने काम के सिलसिले में आज शहर से बाहर जाने वाले हैं। वह पूरा दिन बाहर रहेंगे। मेरे विचार में आपके आने का सही समय, उत्तम समय यही होना चाहिए। हमारे यहाँ एक नौकर है, लेकिन उसे हमारे मामलों में कोई रुचि नहीं है। मैं उसे कुछ समय के लिए छुट्टी दे दूँगी। आपको वहाँ कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। डॉक्टर वॉटसन, क्या आप तैयार हैं चलने के लिए? शेलक ने मुझसे पूछा। बिल्कुल, इस केस को जानने के लिए मैं भी बहुत बेचैन हूँ होम्स। तो हम लोग जल्दी ही आपसे मिलते हैं आपके घर पर। इसके बाद वो अपना पता देकर वहाँ से चली गई। इसके तुरंत बाद ही एक लंबे कद का रौबदार चेहरे वाला, जिस पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थीं, तेज़ कदमों के साथ वहाँ पहुँचा। उसके चेहरे पर कठोर भाव थे, उसके जबड़े सख्ती के साथ भींचे हुए थे। उसकी सुर्ख आँखें जैसे हम दोनों को खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थीं। उसे देख कर ही ऐसा लगता था कि जैसे शैतान को देख लिया हो। उसने आते ही पूछा, तुम में से वो कौन है? शेरलॉक होम्स कौन है? मेरा ही नाम शेरलॉक होम्स है। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? मदद की ज़रूरत तो तुम्हें पड़ने वाली है होम्स। मुझे डॉक्टर रॉयलेट कहते हैं। ओह, डॉक्टर रॉयलेट, क्या मैं बीमार पड़ने वाला हूँ? नहीं, पर हो सकता है तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दिए जाएं। डॉक्टर रॉयलेट ऑफ स्टॉक मरान को अभी तुम जानते नहीं हो, तो फिर जान लेते हैं। बकवास बंद करो, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि वो जो अभी अभी यहाँ से गई है, यानी कि हेलन स्टोनर, वो तुमसे यह क्या कहने आई थी? माफ़ करें, ये मैं नहीं बता सकता। उसकी बातों में आने की कोशिश ना करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसने क्रोध में आगे बढ़कर फायरप्लेस के पास रखे हुए लोहे के बेलचे को उठा लिया। इस बेलचे से जली हुई लकड़ी के टुकड़ों को उठाया जाता था। हम दोनों सावधान हो गए। हमें लगा कि आदमी तो एकदम से आक्रमण करने पर उतारू हो रहा है। शायद वह ऐसा कर भी देता। उसके चेहरे पर खूंखार भाव थे, पर उसने हमला नहीं किया। उसने बेलचे पर अपनी पूरी ताकत दिखाई। उसे बल लगाकर मोड़ रहा था। उसके जबड़े भिछे हुए थे। उसने एक पहलवान की तरह ताकत लगाते हुए उस बेलचे के लोहे की रॉड को मोड़ दिया और एक तरफ फेंक दिया। हम स्तब्ध खड़े थे। उसकी शारीरिक शक्ति सचमुच कमाल की थी, क्योंकि जो हरकत उसने की थी वो कम से कम उसकी उम्र वाली व्यक्ति के लिए शायद कर पाना आसान नहीं था। वो हमें अपनी ताकत दिखा रहा था, या शायद इसलिए आया था। हम दोनों ही सावधान थे, पर उसने हमले की कोशिश नहीं की। वो जितनी तेज़ी से आया था उतनी तेज़ी से वापस लौट गया। उसकी निगाहों में शायद शक्ति प्रदर्शन का उसका काम पूरा हो चुका था। हमने चैन की सांस ली। कुछ देर पहले हमने लड़ने की तैयारी कर ली थी, लेकिन शुक्र था कि उसकी नौबत नहीं आई थी। शेरलॉक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने मुड़े हुए पोकर यानी कि बेलचे को उठाया, फिर उसे ध्यान से देखते हुए बोला, यह अपनी बेटी का पीछा करते हुए यहाँ आया होगा। उसने यहाँ आकर और कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन यह ज़रूर साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं अपनी बेटी हेलन के प्रति अपनी सोचों से वो विलन है। काश जाते जाते वो शेरलॉक की उस हरकत को देख लेता। शेरलॉक ने डॉक्टर रॉयलेट द्वारा लोहे के मोड़े गए उस बेलचे को वापस सीधा कर दिया। फिर उसने मुस्कुराकर उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया था। मैं जानकर हंस रहा था कि उसे सीधा करने में भी उतना ही बल लगा था
जिसकी धौंस वो डॉक्टर रॉयलेट दे गया था। मैं दृश्य देखकर मुस्कुराया। डॉक्टर वॉटसन, मैं ज़रा कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, लॉर्ड कर्मस्टॉक मोरेन की सैर को चलेंगे। शोला करीब 1 बजे वापस लौटा तो उसके हाथ में कुछ कागज़ थे। उसने आते ही कहा, वॉटसन माय डियर, मैं हेलेन की स्वर्गवासी माँ की विल के कागजों की छानबीन करने गया था। मैंने पाया कि हेलेन की माँ मिसेस टोनर की कुल इनकम उसकी मौत के वक्त लगभग 1100 पाउंड्स थी, लेकिन आज की तारीख में यह अमाउंट घटकर कुल 750 पाउंड्स रह गया है। तो फ्रेंड्स, ये था द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल बैंड का फर्स्ट पार्ट। मिलते हैं आप सब लोगों से इस कहानी के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।